अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आफ्ताब फरीदी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया ट्रिक सिखाऊंगा कैमरास के बारे में, जिसे कहते हैं लाइट ट्रेल फोटोग्राफी। तो लाइट ट्रेल वो होते हैं जो जिस तरह आप लाइट देखते हैं लॉन्ग एक्सपोजर में, उस तरह ही लाइट होता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये एडिटेड होगा, लेकिन असल में एडिटेड नहीं होता। वो हम मैनुअली लाइट को मूव करते हैं रियल टाइम में, और जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो चलो चेक करते हैं लाइट ट्रेल फोटोग्राफी के टिप्स और ट्रिक्स। अच्छा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैमरा को ट्राइपॉड पर रखना है। सिर्फ रखना नहीं, उसे लॉक भी करना है, ऐसा ना हो कैमरा गिर जाए। तो अब क्या करना है, अगर आपका एक्सपीरियंस कैमराज में ज़्यादा है तो फिर तो बहुत आसान है। आपको इसे पहले से ही पता होगा कि लाइट ट्रेल फोटोग्राफी किस तरह होती है, लेकिन आपको अगर नहीं पता हो तो चलो आओ दिखाता हूँ। पहला स्टेप तो यह है कैमरा को मैनुअल करना। तो एम पे कीजिए कैमरा को। अब आप ट्राइपॉड पर इसे माउंट कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें तीन चीज़ें ट्वीक करने हैं। क्या क्या? एक है ISO, एक होगा एपर्चर, और एक शटर स्पीड। 13 मतलब के 13 सेकेंड्स। अगर मैं पीछे जाऊं तो ये होगा शटर स्पीड 0.4, और फिर ये चला जाएगा डिवीजन में, फ्रैक्शंस में। तो मैं इसके बारे में कुछ ही देर में समझाता हूं। और ऊपर जो रिंग है वो क्या चेंज कर रहा है, वो एपर्चर चेंज कर रहा है। तो अभी मैं इसे मूव कर रहा हूं, मैंने F1.4 पे सेट कर लिया इसे। F1.4 पे सेट हो गया ये। आप देख रहे हैं इमेज तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर हम इसका एपर्चर ज़्यादा करें तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें इस तरह करना है कि इसके बजाय हमें ISO को चेंज करना है। ऑटो पे लगा हुआ है, 100 पे कर दूँ तो सेम ही रिजल्ट है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एपर्चर है वो F1.4 है, वो बहुत ज़्यादा है। ISO मिनिमम है, लेकिन फिर भी बहुत इमेज ब्राइट है। और हमारा जो शटर स्पीड है वो तो जाहिर सी बात है हमें कहीं 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स पे लगाना है। ये आप देख रहे इमेज फुल ब्राइट हो गए, ब्लोन आउट है। अच्छा, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, अगर आपको ना ISO चेंज करना है, एपर्चर चेंज करना है, और ना शटर स्पीड चेंज करना है, तो कॉम्प्रोमाइज किस चीज में हो सकती है? असल में एपर्चर में कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लेकिन अगर आपको वो नहीं करना तो हमारे पास एक ऑप्शन है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट्स ऑन है, सारे लाइट्स ऑन है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है जब हमने लाइट ऑफ की है, लेकिन ये रिजल्ट नहीं होता। मतलब अगर हम पिक्चर लेंगे वो 10 सेकेंड्स इस पे लॉन्ग एक्सपोजर करेगा तो फिर पता नहीं कि इमेज किस तरह होगा। तो चलो चेक करते हैं कि ये सही इमेज लाएगा कि नहीं। मैंने शटर बटन क्लिक कर लिया और 10 सेकेंड बाद पता चलेगा कि किस तरह इमेज आएगा। तो ये रहा हमारा इमेज, जो कि बिल्कुल ही ठीक है, बहुत क्रिस्प और शार्प फोकस्ड इमेज है। मतलब कि ये हमारे लिए ठीक कंडीशन है। आपको क्या करना है, आपको एक सेकंड पर्सन चाहिए जो कि आपके लिए शटर बटन प्रेस करेंगे, और यह आपके साथ होना चाहिए मोबाइल फ़ोन का फ्लैशलाइट या कोई और ऐसा फ्लैशलाइट जो मतलब विजिबल हो, डिफरेंट कलर में हो। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो मेरे पास सेकेंड पर्सन है वो शटर बटन क्लिक करेगा। तो चलो, मेरे साथ अपना मोबाइल फ़ोन है, मैं होल्ड कर रहा हूँ। चलो, शटर बटन प्रेस कीजिए। अच्छा, अब ये लाइट है, ये मैं मूव कर रहा हूँ। जिस तरह मूवमेंट इसकी होगी जब तक मैं ये इसे मूव करूँगा, वही लाइट की मूवमेंट पिक्चर में आएगी। आप किस तरह होगी, मतलब 10 सेकंड के लिए शटर कर्टन ओपन थी, आप देख सकते हैं कि लाइट ट्रेल बनी हुई है। तो आपने देख लिया लाइट ट्रेल फोटोग्राफी का ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये आप लोग के नॉलेज में और आप लोगों के नॉलेज में एक नई एडिशन होगी। और आप भी ट्राई कीजिए, आपके पास घर में कैमरा पड़ा होगा, शायद आपने बहुत वक्त से यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपके पास जितना ज़रा सा भी शौक है 0.1%, अगर आपके पास 0.1% शौक भी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा, तो इस टाइम में गाड़ी धोने लगा हूँ, लेकिन धोने के बाद आप रिजल्ट ज़रा चेक कीजिए। So I hope you like this video, give it a thumbs up and subscribe for more just like this. Peace out.